डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे y इक्वल टू sin इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव निकालना है क्या करेंगे हम लोग, इसको ले सकते हैं sin y इक्वल टू x ले सकते हैं, ठीक है। अब x इक्वल टू कितना हो गया sin y, अब हम क्या करते हैं इसमें dx अपॉन dy निकालते हैं, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y निकालते हैं, तो dx अपॉन dy क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ dx विद रिस्पेक्ट टू y निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे d by dy of x is equal to d by dy of sin y, तो sin y का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ, cos y, sin y का डेरिवेटिव क्या होगा cos y ना, ठीक है। हमको dy by dx निकालना है, तो ये हम ये वैल्यू किस का रखो dx upon dy, इस इसको हम क्या लिख देते हैं बताओ, इसको बहुत सारे इसको कर देते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं रिसिप्रोकल कर देते हैं, तो d by dx of y हो जाएगा, तो d by dx of y 1 upon cos y हो जाएगा, 1 upon cos y, तो d by dx of y हम क्या लिख सकते हैं बताएं, 1 upon cos y को लिख सकते हैं square root of 1 minus sin square y, 1 minus sin square y, क्योंकि cos square y plus sin square y इसको 1 होता है ना, तो यहाँ पर sin y बन रहा है dx, तो sin y बन कितना है x है, 1 minus x square root है, और y वैल्यू कितना है, y वैल्यू sin inverse x है, तो इसे से d by dx of sin inverse x, d by dx of sin inverse x is equal to 1 upon square root 1 minus x square, कम किसको समझा रहे हो सर, हाँ किसको समझा रहे हो, ना तलाक ना, हाँ d by dy of tan y will be sec square y,
टैन का डायरेक्टिव क्या होता है सेक, इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर वाई ना, तो 1 प्लस टैन वाई इक्वल क्या है एस है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू बताओ, डी एक्स अपॉन डी वाई, हाँ डी वाई डी वाई डी वाई डी वाई ऑफ एक्स, डी वाई डी वाई ऑफ एक्स हो जाएगा। यहाँ से डी डी वाई डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। वाई वैल्यू क्या है टेन इनवर्स एक्स, यहाँ टेन इनवर्स ले दीजिए, तो टेन इनवर्स एक्स इसको क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब उसका अगला जी फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है, वाई इक्वल टू पार्ट इनवर्स एक्स, जैसे पार्ट ऑफ वाई, पार्ट ऑफ वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा, तो डी वाई डी वाई डी वाई ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई ऑफ पार्ट वाई, तो पार्ट वाई डायरेक्टली माइनस पार्ट सेक स्क्वायर वाई, ठीक है, तो माइनस वन प्लस पार्ट स्क्वायर वाई, तो माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसे बोल क्या है एक्स, ठीक है। वैल्यू हो गया आपके डी वाई डी वाई ऑफ एक्स, तो डी वाई डी एक्स ऑफ वाई क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या दे रहे हैं, ठीक है, टेन और पार्ट का डायरेक्टिव एक ही आ रहा है, ठीक है, डिफरेंस किसका है माइनस है, काफी कुछ कर रहे हैं
चलिए सेक का निकालिए, सेक का पॉइंट
cos sec inverse x, cos sec inverse x minus 1 upon f root x square minus ठीक है चलिए राइट।